हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आप लोगों के रिजल्ट्स कल आज गए हैं, तो आप सभी लोगों ने, वैसे तो आज आने वाले थे बट जल्दी आ गए तो अच्छी बात है। तो जिन बच्चों का भी नेट JRF या फिर जिनका सिर्फ PhD क्वालिफाई हुआ है, मेरे चैनल पे बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है एंड PhD क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, JRF नहीं हुआ है, तो कुछ नंबर से उसी पर मैं बात करने वाली हूँ। बेसिकली ये वीडियो उसी के लिए ही मैंने बनाई है यहाँ पर, राइट। वैसे मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ यहाँ पे, बट आज स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए बनाई है मैंने, राइट। तो ऐसे बच्चे जिनका नेट या फिर JRF कुछ नंबरों से रुक गया है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ना ही नेट क्वालिफाई हो पाया है और ऐसे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई हुआ बट JRF नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट। मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ कि जब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो और उसके बाद जब आपको नहीं लिख के आता है कि आप JRF क्वालिफाइड नहीं हो, तो वो है ना एक पेन है, वो मुझे समझ में आती है वो चीज़ें, ठीक। तो उसी पे मैं बात करने वाली हूँ। देखो जैसे हम मैंने भी बात की आप लोगों से कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है, राइट। नो डाउट कट ऑफ हाई गई है पिछले प्रीवियस ईयर से अगर हम चेक करें, तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 220 प्लस 240 तक भी स्कोर किया होगा, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, आपका जो रिजल्ट है परसेंटाइल में भी आया हुआ है ना, स्कोर भी दे रखा है फिर परसेंटाइल भी दे रखा हुआ है, तो उन बच्चों ने 240 प्लस तक स्कोर किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया गया। तो एक चीज़ समझो, सिलेबस मैं एक बहुत मोटे मोटे तौर पे आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिलेबस है, राइट, पेपर वन उनके लिए भी था, पेपर टू आपके लिए भी था, राइट। समझ रहे हो इस चीज़ को? पेपर वन उनके लिए भी था, पेपर टू आपके लिए भी था। उन्होंने भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। हो सकता हो आपने 5 घंटे पढ़े हों, उन्होंने 8 घंटे पढ़े हों, ये मैं नहीं कह सकती कि आप लोगों ने कितना पढ़ा। नंबर ऑफ आवर्स की मैं यहाँ पर बात नहीं करते, बट पढ़ा तो सभी यूनिट होगा ना। जो एक ऐसा बच्चा जिसका JRF क्वालिफाई होता है 240 पे, और एक ऐसा बच्चा जिसका JRF नहीं क्वालिफाई होता है जबकि वो उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 200 प्लस भी स्कोर किया फिर भी नहीं होता है, लेकिन मेहनत तो दोनों ही ने की ना। यहाँ पे मैं जो ये कहना चाह रही हूँ, जो ये मेहनत की बात है वो पहले बच्चे ने भी की है जिसका नहीं हुआ, जो दूसरा बच्चा है उसने भी की है जिसका हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी कमी रह गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-3 बार से नेट दे रहे हैं, है ना, लेकिन उनका JRF नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, या फिर नेट दे रहे हैं उनका नेट भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है। हमेशा क्या होता है, दो क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से रह जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारा नेट नहीं हो पा रहा है या फिर हमारा JRF क्वालिफाई नहीं हो रहा है? पहली फर्स्ट थिंग हमें ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, है ना। हमने एक बार नेट दिया, 2 बार नेट दिया, हमारा नेट क्वालिफाई हो रहा है बट JRF नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। पढ़ तो मैं भी रही हूँ, है ना, मैं भी पढ़ रही हूँ, पढ़ आप भी रहो, ठीक है। वो बच्चा भी पढ़ रहा है जिसका JRF हो रहा है, वो बच्चा भी पढ़ रहा है जिसका JRF नहीं हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ पर है? या फिर ये तो वही चीज़ हो गई ना, जैसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ, कुछ बच्चे हैं 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 4 घंटे फोकस्ड रहते हैं कि मुझे 4 घंटे में ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिए हैं, ये टॉपिक को ख़त्म करना है। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो 4 घंटे पढ़ते तो हैं बट 4 घंटे में कहीं वो फ़ोन देख रहे हैं, कहीं अपनी सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं कुछ काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ते भी जा रहे हैं, तो उसे पढ़ना नहीं कहेंगे। समझ रहे हो गलती कहाँ पे? आपने 4 ही घंटे पढ़ा, उस बच्चे ने भी 4 ही घंटे पढ़ा, ठीक है, लेकिन गलती कहाँ पे है यहाँ पे? कि आपने उसमें दूसरे काम के साथ भी आप इंगेज रहे, राइट। तो दिमाग हमेशा एक जगह पे फोकस रखना चाहिए। तो ये चीज़ें आप कैसे समझ पाओगे कि सेल्फ इवैल्यूएशन, राइट। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, जैसे दिसंबर का सेशन का अभी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उस सेशन में आप लोग तभी फॉर्म भरिएगा जब आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिएगा। समझ रहे हो? सेल्फ इवैल्यूएशन कहने का मतलब क्या है? देखो आप किसी टीचर से पूछो कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मेरी तो फ्री क्लासेस हैं, बहुत सारे बच्चे पेड क्लासेस में भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई भी टीचर, देखो वो अपना ही एक एक्सपीरियंस होगा जो आपके साथ शेयर करेगा, है ना, बट अपनी स्ट्रैटेजी, आपकी क्या वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? बताओ आप किस चीज़ में अच्छे हो या आप किस चीज़ में नहीं अच्छे हो, ठीक है, तो ये आपका ना ही टीचर जानेगा, ना ही आपके पेरेंट्स जानेंगे, कोई नहीं जानेगा इस चीज़ को। ये चीज़ सिर्फ आप जान सकते हो कि आप किस चीज़ में बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर स्टार्टिंग,
प्रिपरेशन, ठीक है, दोबारा से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करिए जी। देखिए देखिए, कुछ बच्चे हैं ऐसे भी बोलते हैं, मैं बच्चों की ही जो बातें हैं मैं वही आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा पेपर टू अच्छा नहीं हुआ, है ना, कुछ बोलते हैं मेरा डी आई अच्छा नहीं हुआ, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं हुआ। भाई मैं इस बार पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा था एंड डी आई भी अच्छा था, बट ज़रूरी नहीं है दिसंबर में जो पेपर आएगा वहाँ पर ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, है ना। तो ये जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा था बट शायद ये कुछ हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने अच्छे से स्कोर नहीं किया, हमने तो ये भी किया था, हमने तो वो भी किया था बट पेपर टफ आ गया था इसलिए नहीं हो पाया, कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, या मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों का क्वालिफाई होता है, ठीक है, वो भी तो पढ़ ही रहे हैं ना, बिना पढ़े तो किसी का ना JRF निकलता है ना ही नेट निकलता है, ठीक, कोई तुक्के में जाके नहीं निकाल सकता है, समझ रहे हो। तो हमें यहाँ पे सेल्फ इवेल्युएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि परेशान होने की कि अब मैं कैसे पढ़ूंगा क्या करूँगा बहुत कम टाइम है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो एंड अपने आप को देखो कि आपने अगर 2-3 बार से नेट दिया है, आपका JRF नहीं हो पाया, खुद को सेल्फ इवेल्युएट करो। सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करना है, पेपर 1 लो, पेपर 1 में आप ये देखो कि आपको कौन सी यूनिट आती है, ठीक है, कौन सी, और ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपको नहीं आती है, पहली चीज़ आपको ये यहाँ पे देखनी है। उसके बाद उस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे, क्योंकि हर यूनिट में बहुत सारे टॉपिक दे रखे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डायग्नोस करना है इस यूनिट के अंदर कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमें सही से पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि जो हमें पहले से आता है। जैसे कुछ बच्चे अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फर्स्ट यूनिट से करना अपना वो पूरा कंटेंट लगाना पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं भाई, हमने पढ़ रखा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं जो नई नई चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, जो नए नए कंसेप्ट आए हैं या फिर जो हमें नहीं आती, जो हमारी वीकनेस है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पर डील करना है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो सबसे पहला काम होना चाहिए सेल्फ इवेल्युएशन, अपना पेपर उठाइए, ठीक है, अपना जो सिलेबस है उसको उठाइए, उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, एक नोट बनाओ कि हाँ मुझे ये टॉपिक आते हैं, इस टॉपिक को मैं कर सकता हूँ, और ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको जिसकी वजह से मेरा ये नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है या फिर JRF क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, ना कि एक्सक्यूजेस दो कि इस वजह से नहीं हो पाया, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ये तो यही कहेंगे कि हाँ अब तो मुझे करना ही नहीं है, हो गया बहुत हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है एंड बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। वो जो बच्चों का निकला है उन्होंने तो पढ़ाई है ना, समझ रहो। तो एक होता नहीं कि जो सर्टिफिकेट पे वो जो खुशी होती है कि सर्टिफिकेट पे JRF एंड आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और ये PhD लिख के आता है, तो वो खुशी अगर चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चीज़ हमेशा अपनी जो गलती है, अपना जो गलती है उसको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी है, ना कि किसी और को रिस्पॉन्सिबल करना देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए देना है या फिर इन्वायरमेंट को देना है या फैमिली मेम्बर या फिर टीचर जो भी है, ठीक है, उसको नहीं देना है। हमें अपनी जो गलतियाँ हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है और उससे सीखना है, ठीक है, सीखना है कि हमें अब आगे किस तरीके से। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक बच्चा है मान लेते हैं उसकी 210 आए, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसकी 218 गई हुई है, बट बच्चे के कितने आए, 210 आए। क्या बच्चा वो 8 नंबर नहीं ला सकता था? जो बच्चा 210 नंबर ला सकता है क्या वो 8 नंबर और नहीं ला सकता? ला सकता है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी सी मिस्टेक जरूर रही होगी, जो कि वो जो 240 वाला बच्चा है ना, या फिर 220 वाला बच्चा है, उसने उस कमी को पूरा कर लिया है। हमें सिर्फ अपने माइंडसेट को ऐसे बनाना है कि अगर उस बच्चे ने किया है, ठीक है, जिन बच्चों का JRF निकाला तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं भी सेम हूँ वो भी सेम है, ठीक है। बस हमें अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से, बिकॉज़ अभी टाइम भी नहीं है दिसंबर के लिए ज़्यादा, और अभी तो वैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह नहीं आए हैं, बट आप अपना माइंड मेकअप करके चलिए कि दिसंबर के लिए मुझे अभी से ही स्टार्ट कर देना। अब ये नहीं सोचना है भाई मुझे कल से स्टार्ट करना, नहीं, जो भी करना है अभी से करना है। अगर आपने अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया ना तो कल फिर वो परसों हो जाएगा, परसों फिर अगले दिन चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है जो सभी के साथ होता है, ठीक है, नॉर्मली मेरे साथ खुद भी होता है, तो मैं एक पर्सनली आप लोग को ये चीज़ बता रही हूँ। तो यही सिर्फ कहना है, जैसे बच्चों जब मैसेज करते तो पर्सनली मेरे लिए भी बार बार उससे रिप्लाई करना नहीं हो पाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोग को
बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। आप तो ये चीज़ सोचो ना, आपने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ये भी तो सोचो। कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है तो उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता है ना, कोई नुकसान नहीं होता। आप बल्कि चीज़ें सीखते हो, कोई भी पेपर देखे हो, जब भी कोई आपने नहीं भी पढ़ा ना, फिर भी आप चीज़ें कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हो। तो दिमाग में रखिए, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, ये जो नेट का एग्ज़ाम दिया है, आपके 200 नंबर या 190 नंबर आ रहे हैं या 198 नंबर आ रहे हैं, तो इससे आपने सीखी हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो जो चीज़ें सीखी हैं उसके साथ साथ जो चीज़ें रह गई हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाया, उस पर हमें अभी काम करना है। तो उसके लिए एक नोट मेकिंग करिए कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे आते हैं, ठीक। फिर दूसरी चीज़, ऐसे टॉपिक है जिस जो मुझे नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक नोट मेकिंग करिए एंड प्रॉपर, अगर आप 4 घंटे अपने स्टडी को दे रहे हो तो वो 4 घंटे सिर्फ स्टडी में होने चाहिए, ना कि आपका फ़ोन चलना चाहिए या फिर तुरंत सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, अभी मैंने इससे पहले तो मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, बट स्टिल अभी मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोग के लिए चैनल पे स्टार्ट की हैं। तो जितना भी मैं कंटेंट यहाँ पे आपको देती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 2 मैंने कंप्लीट एजुकेशन का आप लोग को करा रखा हुआ है। बस थोड़ा सा आप लोग को सर्च करने की ज़रूरत है। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अगर फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो थोड़ा सा वीडियो को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड अभी मैंने आपकी जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है वो टॉपिक वाइज वीडियोज़ की स्टार्ट की हुई है, तो उसको प्लीज़ गो थ्रू करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे, लगे कि आपको उससे मदद मिल सकती है, तो प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए। अगर ऐसा लगे कि इन वीडियो से मुझे हेल्प नहीं मिल सकती, तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को मत देखिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं किसी बच्चे से ये नहीं कह रही कि आपको वही वीडियो देखने, नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन करना है, आपको नेट ZRF क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले सेल्फ इवेल्युएशन करो, फिर उसके बाद जहाँ से भी आपको सही लगे वैसे आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और दिमाग में रखो कि अगर आपने एक बार अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे नेट ZRF क्वालिफाई करना है, ठीक है, एनी हाउ, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन करना है मुझे, ठीक है, ये चीज़ अगर माइंड सेट है तो फिर आपका होगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए फिर निराश नहीं होना कि नहीं होगा, हो सकता हो डिले हो रहा है, मे बी कुछ ना कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, ना कि दूसरे के अंदर। कभी भी अपनी जो गलती होती है, अपना जो फेलियर होता है, दूसरे पे नहीं डालना चाहिए, हमेशा खुद पे, कि हमारी गलती है इस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई है। और ये मेहनत भी कौन करेगा, हम करेंगे, ना कि मेरे पेरेंट्स करेंगे। पेरेंट्स तो सफ़र करते ही करते हैं, एक बच्चा ही खाली नहीं सफ़र करता, साथ में उसके पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, ठीक है। तो ना कि किसी और पर डालना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हमें ही लेनी है और हमें ही इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसे मैं वीडियोस नहीं बनाती, बट स्टिल मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। एंड जो भी हेल्प हो सकती है मेरे एंड से, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने एंड से आप लोग को पूरी यहाँ पे जो मदद हो सकती है वो मैं दूँ। एंड दूसरी चीज़ ये कहूँगी, जब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जो भी आपके दिल में हो, है ना, लिखिएगा ज़रूर कि हाँ कहाँ पे कमी रहेगी या फिर किस तरीके की आप मुझसे हेल्प चाह रहे हो, ठीक है। जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं अपने एंड से ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। मेरी स्टार्टिंग से ही भी यही रही है कि मैं जितनी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ मेरी कोशिश रहती है जितना मैं अपने एंड से हेल्प कर सकती हूँ, जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं उतनी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। इधर उधर देखो, आखिरी में पता है कोई काम नहीं आता है, कोई नहीं। आपके पास अगर अच्छी जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, तो लास्ट में कोई काम नहीं आता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए एंड अपनी प्रिपरेशन करिए। थैंक यू एवरीवन।